मेरा ढोकला बनके तैयार है और इसको मैंने ऊपर से हरी धनिया से गार्निश किया है। आप भी बनाएं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाइट बनता है। ये हरा धनिया से मैंने गार्निश कर दिया है, हरी चटनी के साथ सर्व किया है, और आप चाहें तो मीठी चटनी के साथ खाना चाहें तो खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और इसका प्रोसेस क्या है आप वीडियो में आगे देखें। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा रश्मि खजाना में मूंग की दाल का ढोकला बनाने जा रही हूँ। तो मूंग की दाल मैंने एक कटोरी, छोटी कटोरी से एक कटोरी भिगा दी थी रात में 8 घंटे की, तो सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। और अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च ले लिया है और हींग है। अब ये सब चीज़ें डाल के, हींग और अदरक, ये हरी मिर्च डाल के और ये मूंग की दाल इसमें डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करते ही समय ये एक छोटी कटोरी से, जो कटोरी से मैंने दाल ली थी उसका आधा कटोरी दही ले लेंगे, तो इसको भी इसमें डाल देंगे ग्राइंडर में। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे और उसके बाद थोड़ी देर 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। और जब बनाना हो उस समय नींबू, आधा नींबू है, ज़्यादा खट्टा खाना हो तो और डाल सकती है, हमने आधा नींबू लिया है, इसका रस इसमें डालेंगे। तो और हींग जरूर डालें, हींग से मूंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो हींग जब पीसने के बाद हींग डालें और उसको रेस्ट करने के लिए रखें। तो मूंग का ढोकला लाइट भी होता है, बहुत सॉफ्ट बनता है, अच्छा बनता है। देखिए मेरी दाल पीस गई है, दरदरी से पीसिए। और अब इसमें हींग डाल दीजिए और ये जीरा, बहुत से लोग जीरा डालते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते, मैं डालती हूँ, अच्छा लगता है। और बस अब इसको इस डिब्बे में मैं पलट लूँगी और पलटने के बाद इसको 1 घंटा जैसे ही छोड़ दूँगी। और बनाना होगा उसमें नींबू निचोड़ के और इसको स्टीम करेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता का तड़का लगाएं। देखिए मेरा पेस्ट बन के तैयार हुआ और इसमें मैंने हींग और जीरा डाला था, नमक डाला स्वाद के अनुसार, छोड़ दिया। अगर आप ना छोड़ना चाहें तो इंस्टेंट भी बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बनाना होगा, स्टीम करना होगा, तब इसमें मैं आधा पाउच इनो का डाल दूंगी, जो कि फ्रूट साल्ट होता है, उसके से स्पंजीपन आता है, एक सॉफ्टनेस आती है, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो इसमें और ज़्यादा चीज़ों की डालने की ज़रूरत नहीं है, नींबू ज़रूर बनाते समय निचोड़ देंगे। और ऊपर से, या तो फिर ऊपर से आप नींबू का जूस उसमें तड़के में डाल दीजिए और उसको ऊपर से डाल दीजिए तो उससे खट्टापन आ जाता है, लेकिन पकाते समय ही डाल दे तो अंदर तक घुस जाता है। और इसमें 1 चम्मच रिफाइंड जरूर डालें, उससे बहुत सॉफ्ट बनता है। तेल जो रिफाइंड होता है वो 1 चम्मच टेबल स्पून से जब बनाना हो। ये देखिए, ये मैंने आधा पाउच इसमें इनो डाल दिया है। और अब 1 टेबल स्पून इसमें, 1 या 2 टेबल स्पून ये तेल डाल देंगे और इसको सब मिक्स कर देंगे और तुरंत चढ़ा देंगे स्टीम होने के लिए, और कुछ नहीं करना है। और जो लेमन जूस है उसको भी डाल देंगे, ये लेमन जूस मैंने आधे नींबू का है, इसको भी इसमें डाल देंगे, इससे थोड़ी खटास अच्छी आ जाती है। और बस उसके बाद आप इसको बस ऐसे अच्छी तरह से मिला दें, जिससे कि जो फ्रूट साल्ट है अच्छी तरह से मिल जाए, और उससे ये बहुत फ्लफी हो जाता है, देखिए तुरंत। और इसको स्टीम करेंगे, तो स्टीम करेंगे तो ये मैंने एक बर्तन लिया है, इसको ग्रीस कर लिया है और इसको इसी में ऐसे पोर कर लेंगे बस, और इसको चढ़ा देंगे। पानी मेरा खौलने लगा है और मैंने कढ़ाई में एक स्टैंड रख दिया है और ये अब हम इसको रख देंगे स्टीम होने के लिए। और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट स्टीम करेंगे, उसको ढक देंगे और आराम से पकने देंगे। और जब पक जाएगा तो उसको कम से कम 10 मिनट रेस्ट कराएंगे, जिससे ठंडा हो जाए, तब पीसेस काट। देखिए मेरा ढोकला बिल्कुल अच्छी तरह से बेक, वो स्टीम हो गया है। अब इसको हम चेक कर लेंगे और चेक करने और थोड़ी देर से इसको ठंडा कर लेंगे, जिससे कि पीसेस काटने में, इसके स्क्वायर पीसेस काटेंगे और तड़का लगाएंगे। तो इसको एक टूथपिक लिया है मैंने और ऐसे डाल के देखेंगे, देखिए बिल्कुल क्लीन है, इसमें बिल्कुल भी दाल नहीं लगी है। तो आप एक बार दो बार ऐसे करके देख लीजिए और इसका मतलब ये परफेक्टली स्टीम हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में तड़का तैयार करेंगे। देखिए मेरा तड़का बनना है, तेल मैंने डाला है और हरी मिर्च को बीच से फाड़ के 3 हरी मिर्च डाली है, कड़ी पत्ता, राई, तड़का चल रहा है।
अब इसी स्टेज पे हम ये नींबू का जूस और थोड़ा सा पानी, बस ये मेरा तड़का, ये मेरा तड़का तैयार है। अब इसको मैं ढोकले के ऊपर डाल दूँगी। अभी ढोकला ठंडा हो रहा है लेकिन ऊपर से डाल दूँगी और बाद में पीसेस काटूँगी। ये देखिए मेरे एक, मैंने इसमें अपना तड़का डाल दिया है और अब इसके पीसेस काटूँगी और सर्व करूँगी। कैसे करूँगी वो मैं आपको, ये देखिए मेरा ढोकला ठंडा हो गया है। अब इसके मैं इस तरह से पीसेस काटूँगी। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला मूंग का बना है और इसको मैं प्लेट में सर्व करूँगी। ये देखिए मेरा ढोकला बनके तैयार है और बहुत ही सॉफ्ट, देखिए कितना सॉफ्ट है, ये कितना सॉफ्ट और बढ़िया स्पंजी बना है। और इसको आप हेल्दी भी है और ये खाने में भी लाइट होता है और चटनी के साथ सर्व किया है। आप मीठी चटनी के साथ चाहते हैं तो मीठी चटनी के साथ खाइए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हरा धनिया से मैंने गार्निश करके इसको कमेंट करके बताएं और मुझे लिखें कि अगर आपको और कोई मेरी रेसिपी चाहिए तो मैं फिर से बना के आपको दिखाऊंगी। अगर आपने मिस कर दी है कोई रेसिपी जिसको मैंने डाला है उसमें, तो आप वीडियो में उसमें देखिए, मेरे चैनल पे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब मूंग का ढोकला बनके तैयार हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।